हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लोलेगांव। में आज मेरा आखिरी दिन है। बाइक देखो कितनी गंदी हो गई है, घर जाके धुलाई करना पड़ेगा। और जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से लौटूंगा, मतलब वही धूल भरा रोड। बाइक रेडी, लेट्स गो। दोस्तों अभी मैं घर रिटर्न हो रहा हूँ होम टाउन अलीपुरद्वार के लिए। गेट द व्यू। हाँ, तो ऑन द वे कुछ प्लेसेस देखूंगा। अभी हम पहले एक ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री देखेंगे। मोनेस्ट्री का नाम है गुम्बादारा मोनेस्ट्री। बहुत ही ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है। चढ़ाई बहुत है, हो गया। मैं बर्बाद हो गया। देखो पहले दिन शाम को कैसे रास्ते से आया था। अरे तुम्हें ये टर्निंग पे ही आना था। उफ। ये रहा गुम्बादारा मोनेस्ट्री का गेट। चलिए अंदर चलते हैं। मोनेस्ट्री का एरिया बहुत ही बड़ा है। ये प्लेस लाभा से 10 से 15 किलोमीटर दूर है और लाभा लोलेगांव रास्ते में ही पड़ता है। उस तरफ स्टूडेंट हॉस्टल है। ये ओरिजिनल मोनेस्ट्री है एंड दिस इज न्यू वन। इट्स अ ब्यूटीफुल एंड ह्यूज। पहाड़ों पर बना ये सफेद स्तूपा देखने लायक है। दैट्स ऑसम। जस्ट एम्बियंस देखिए, चारों तरफ पहाड़ के बीच बना हुआ ये ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री। साइड के पहाड़ के ऊपर एक पार्क बना हुआ है।
एक मॉन्क से पूछने के बाद मोनेस्ट्री का तिब्बतियन नेम मालूम चला, नीचे इसका नाम दे दिया है, देखिए कुछ तिब्बतियन नेम होगा। आई एम सॉरी, मैं शायद प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊँगा। ये मोनेस्ट्री का ग्राउंड फ्लोर है। ब्लेंडेड अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर तो बंद था, लेकिन ये महोदय हमें दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। आइए सर। वाओ, सो इनक्रेडिबल। ऊपर का हिस्सा लगभग नीचे जैसा ही है, आर्किटेक्चर पेंटिंग सेम ही है। मैंने देखा वो नीचे और ऊपर के मूर्ति में अंतर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर में फेस अलग है और फर्स्ट फ्लोर में अलग। हो सकता है ग्राउंड फ्लोर का वो उनके कोई शिष्य का हो या कोई दूसरे अवतार का, मुझे मालूम नहीं। एक्चुअली इस जगह के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन ही है। कुछ जातक कथा है, उनके जीवन की स्टोरी भी पिक्टोरियल फॉर्मेट में दिखाया गया है। दोस्तों, जो कुछ मैंने यहाँ आके सुना वही शेयर की जैसे इन्होंने बताया। गौतम बुद्ध 6 वर्ष के लिए स्वर्ग में थे, उनके शिष्यों ने उनको स्वर्ग से नीचे आने के लिए आह्वान की। ये सब उनके शिष्य हैं। इन लोगों ने गौतम बुद्ध को बताया कि दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप आइए। तो फिर गौतम बुद्ध स्वर्ग से नीचे आए। उन्होंने सभी को धर्म की सलाह दी, झगड़ा और हिंसा करने को मना किया। उन्होंने सभी को साथ रहने की सलाह दी। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियाँ जलाई जा सकती है और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है। एक क्यूटी 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 टोक्यो। पिछले एपिसोड में कहा था कि मैं इस मोनेस्ट्री के साथ एक आर्टिफिशियल लेक भी दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं इस एपिसोड में नहीं दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। प्लीट कर दी, नहीं तो ये एपिसोड थोड़ा बड़ा हो जाता। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्ते।